एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आसा तुम्ही? तो आज है वेनसडे और बज चुके हैं 12। ओके, तो आज कोई व्लॉग नहीं है। आज मैं ना एक रेसिपी लेके आई हूँ, मम्मी की रेसिपी है ये। ओके, और हम सबका फेवरेट है। ओके, तो उस दिन मैं बांगड़ा लेके आई थी मापसा से, वैसे ही फ्रिज में पड़ा है। तो सोचा चलो आज कुछ बनाते हैं, और आज मम्मी बनाएगी बांगड़े सॉल। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी भी है। ओके, जब भी हमारे घर में ज़्यादा मात्रा में बांगड़ा लाते हैं ना, तो ये सॉल बना के रखते हैं, और इसे ना आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डे और 3-4 दिन रख के भी आप इसे खा सकते हैं। ओके, तो आज कोई व्लॉग नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को देना है, उसी की तैयारियाँ करनी है। ओके, तो रात को ना बाद में ना टाइम नहीं मिलता है, ऋतु आता है, उसकी पढ़ाई लेनी होती है। तो एक्चुअली आज कोई व्लॉग बनाने का प्लान नहीं था, तो मम्मी बोलने लगी बांगड़ा है फ्रिज में बनाते हैं, क्योंकि कल थर्सडे है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, फ्राइडे को मम्मी नहीं खाती है, मतलब सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो सोचा चलो आज बनाते हैं बांगड़े सॉल। ओके, हल्दी के पत्ते रखना एक रेसिपी में आज शेयर करूँगी। ओके, बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके, तो सोचा चलो आज वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जस्ट मैंने अभी बांगड़ा को क्लीन किया है और नमक लगा के रख दिया है। ओके, तो जस्ट चलते हैं किचन में और बनाते हैं बांगड़े सॉल। तो यहाँ पे देखिए, बांगड़ा फिश को ना अच्छे से क्लीन किया है, अब उसको ना नमक लगा के रख दिया है। और इस रेसिपी में ना हमें बांगड़ा जो है ना पूरा का पूरा ऐसे ही हमें यूज़ करना है। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, पर मेरी मम्मी ना जब भी ये रेसिपी बनाती है ना, जो बांगड़ा है ना पूरा का पूरा अक्खा बांगड़ा रखती है, और इसको ना इस वजह से यहाँ पे कट्स लगा दिया है। ओके, अब देखते हैं मसाले। तो मसाले हमें क्या क्या लेना है ना, मैं निकाल के रख दिया है, वो आपको दिखाती हूँ। तो मसाले के लिए ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 कप कोकोनट लिया है ग्रेट किया हुआ, लहसुन लिए है 5, यहाँ पे छोटी वाली चिली ली है, और यहाँ पे बिड़गी भी लिया है। यहाँ पे 2 तरह की चिली लिया है, बिड़गी और छोटी वाली, और यहाँ पे लिया है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ राई यानी मस्टर्ड सीड सासवा मतलब भाजून घेतला, 1 बड़ा चम्मच धनिया भुना हुआ, इसको ना स्लाइटली रोस्ट कर लिया है, आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी यहाँ पे भुना हुआ मेथी लिया है। ओके, और यहाँ पे देखिए, इस रेसिपी में ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हल्दी के पत्ते। नागपंचमी के दिन मैं लेके आई थी ना, तो थोड़े पत्ते ना मैंने फ्रिज में रखा। मैं आपको बताती हूँ, इस पत्ते को ना आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे ना हल्दी के पत्ते लिया है 1-4-5 लिया है, कोकम लिया है, यहाँ पे त्रिफला लिया है। अगर आपको कोकोनट का इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में, तो कोकोनट को स्किप करें और ये बाकी सारी चीज़ें हैं ना आप ले सकते हैं। ओके, चिली डाल के भी आप ये मसाला बना सकते हैं, कोकोनट डाल के भी आप ये मसाला बना सकते हैं। तो मैं आज कोकोनट डालूंगी, अगर आपको कोकोनट नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को ना हमें मिक्सी जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, जब फिश पर मसाला लगाएंगे ना तब ये बाद में यूज़ करेंगे। सिर्फ यही चीज़ें ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें फाइन पेस्ट बनाना है। और हल्दी के पत्ते जब आप लाते हो ना, अभी नागपंचमी के दिन आप लोगों ने लाए होंगे हल्दी के पत्ते, अगर वो रह जाते हैं, अगर जब आप ये रेसिपी बनाओगे ना, तो मेरी मम्मी क्या करती है, पत्तों को ना पेपर में फोल्ड करके प्लास्टिक में डाल के ना फ्रिज में रखती है। जो पत्ते हैं ना थोड़े सूख जाते हैं, पर उनका जो स्मेल है ना वो रहता है। और सूखे हुए पत्ते भी ना इस रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कि आपको ताज़ा पत्ता ही लेना है हल्दी का, सूखे हुए पत्ते को भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी खुशबू चाहिए। हल्दी के जो पत्ते की जो खुशबू होती है ना, सिर्फ वही खुशबू चाहिए, वही जो खुशबू है ना इस फिश की रेसिपी में आ जाती है। ओके, अगर आपके पास पत्ते नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्ते डाले बिना भी आप ये बांगड़े सॉल बना सकते हैं। ओके, पर ट्राई करें, हल्दी के पत्ते डाल के अगर आप बांगड़े सॉल बनाओगे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसका ना एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। ओके, ये ना मेरा बांगड़े सॉल मेरा बहुत ही फेवरेट है। जब भी हमारे घर में ज़्यादा मात्रा में बांगड़ा फिश लाते हैं ना, हमारे घर में हो या मेरे सिस्टर के घर हमारे गांव में ना, ज़्यादा मात्रा में जब बांगड़ा लाते हो ना, तब ये सॉल बना के ना रखते हैं। और ये जो सॉल है ना, आप फ्रिज में बना के रख सकते हैं, 3-4-5-6 दिन भी आप स्टोर करके खा सकते हैं। जब खाने के टाइम ना उसको आप थोड़ा सा एक बांगड़ा निकालो, हल्का उसको गर्म करो और खा लो, बहुत ही टेस्ट लगता है। इसको ना मैंने आज बनाया है, और मैं कल खाऊंगी ना, ये वो डबल टेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से ना आप बांगड़ा सॉल बना के ना फ्रिज में रख सकते हैं। बांगड़े के साथ साथ सेम टू सेम आप तालने भी, अगर बांगड़ा आपको नहीं चाहिए तो तालने के साथ भी आप ऐसे करके रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है।
तो यहाँ पे देखिए सिर्फ चिली को यहाँ पे डाला है और इसका ना फाइन पेस्ट बना लिया है। अभी तक ना कोकोनट और लहसुन डालना है। पहले लेना चिल्ली को पीस लेना है फाइन। अब इसमें डालते हैं कोकोनट और लहसुन और इसको फाइन पीस लेते हैं। डाल अगर आपको कोकोनट नहीं चाहिए ना तो सिर्फ यही मसाला काफ़ी है। तो अगर आपको कोकोनट चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ओके इसको ना अभी मिक्स पीस लेते हैं। फाइन पेस्ट ना करें, दरा दरा ही इसको पीस लेना है। ठीक है तो ये देखिए मसाला यहाँ पे रेडी है। ओके तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। और यहाँ पे बनाया है क्रेप सुक्का। ये देखिए ये ना रितिक पापा को बहुत ही पसंद है तो मैंने सोचा था चलो फ्राई करते हैं, पर मम्मी बोले लेकिन नहीं सुक्का बनाते हैं। जिस तरह से मैंने कल मैंने स्क्वीड्स यानी कि मान के सुक्का बनाया है ना उसी तरह से मैंने बनाया है। और वो मसाला मैंने डाला है घरगुती मसाला। ओके ये ना रितिक पापा को बहुत ही पसंद है। हाय मर गए वो बिजी है मम्मी सॉल्व कर बांगड़ा जो सॉल्व कर पा। ओके चल तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है तो इसमें डालते हैं तेल। कितने गल का? बस इतना ही, 1 चम्मच तेल। जो मसाला है ना इसमें डाल देते हैं। मसाले से खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आ रही है, मुंह में पानी आ गया। और मिक्सी जार में ना थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ओके तो इस मसाले को ना ज़्यादा पतला ना करें, हाँ हमें ना थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। तो मम्मी ने ना इसमें और थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। बांगड़ा फिश को ना मैंने यहाँ पे नमक लगा के रख दिया है। ओके तो उस हिसाब से आप नमक ऐड करें। अब इसमें डालते हैं कोकम यानी सोला, खट्टापन लाने के लिए। त्रिफला को ना हल्का सा इस तरह से क्रश करें। तो यहाँ पे है ना 10 त्रिफला लिया है और उसको हल्का सा इस तरह से क्रश किया है। इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करें और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं तो ज़्यादा पतला ना करें। ठीक है और वहाँ पे ना चावल रखा है वो ना सूसू कर रहा है वहाँ पे। ओके अच्छे से इसे मिक्स करें। जब इसमें त्रिफला डालते हैं ना तब इसका बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। तो मम्मी थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही है। ये देखिए मसाले को ना मम्मी ने यहाँ पे देखिए इस तरह से मिक्स किया है और ये बहुत ही गाढ़ा भी है, पतला नहीं है। ओके तो अब इसमें डालते हैं बांगड़ा फिश। इस तरह से हमें फिश को रख देना है। बांगड़ा फिश के जगह पे ना आप ताले फिश भी ले सकते हैं। इस तरह से ना इसे अच्छे से मसाले में रख दे। ये देखिए फिश को रख दिया है इसके अंदर अतः। तो अब इसके ऊपर रख देते हैं ये हल्दी के पत्ते। इस तरह से हमें रख देना है। जब ये जो कुक हो जाएंगे ना तब ये हल्दी के पत्ते की जो टेस्ट फ्लेवर है स्मेल है ना वो फिश में आ जाती है। तो इसे इस तरह से ना इसको रख देना है। बस इस तरह से रेडी है। अब इसको हमें ना गैस के ऊपर रख देना है और उसको स्लो फ्लेम पे ना हमें इसे कुक करना है। हाई फ्लेम पे ना कुक करें क्योंकि नीचे जो है ना जल जाएंगे। फ्लेम को लो करें और उसको कुक होने देते हैं। तो देखिए गैस के ऊपर रख दिया है, फ्लेम को लो करते हैं और इसको ना लो फ्लेम पे हमें करना है, हाई फ्लेम पे ना करें। अब इसे अच्छे से उबाल लाते हैं। जब ये कुक हो जाएंगे ना इसकी जो खुशबू है ना पूरे घर में फैल जाती है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए उबाल आया है, अभी तक कुक नहीं हुआ है। हमें ना स्पून नहीं डालना है इसको, मुझे इसको मिक्स नहीं करना है, ऐसे ही इसको कुक होने देना है नहीं तो ना ये टुकड़े हो जाएंगे फिश के। तो ऐसे ही हमें लो फ्लेम में ना इसको कुक करना है। तो ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं और कितने हैं और एक 10 थोड़ा ड्राई होने तक हमें कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए पानी है, थोड़ा ड्राई होने तक हमें इसे कुक करना है। ये देखिए आ गए ऐकता राव राव खुद आता चाची गलता आज बांगड़े सॉल्व केला बांगड़े सॉल्व तू किरे फर्स्ट आव ऐकता
ये देखिए, ये पहली बार सुन रहा है। बांगड़ा सॉल केला खातला, बांगड़ा सॉल खातला, तुका कुल्ले सुके केला। देखिए कुल्ले मटले की दाल कुल्लो। मसाला टेस्टी लगता हाँ, कुल्ले नहीं मैंने बोला मसाला। था ना, वो जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, वो घरगुती मसाला डाल के वो उसको पसंद है। एक्चुअली चितलेले की फ्राई करें हमने कुदले, मम्मी ने सांगले नहीं सुखा करिया हमने। तो आज बांगड़ा सॉल को ये हाथ लगाने वाला नहीं है ऋतिक बाबा, कुल्ले सुखे आनी है। और कल का ना किंग, और कल का किंग फिश करी है। हाँ डाले, अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। तो हल्के से चम्मच से ना उसको इस तरह से मिक्स करिए, मतलब पलट रही है, पलटना। तो ज़्यादा इसको चम्मच ना लगाइए, फ्लेम को लो रखिए और इसको कुक करें। तो बांगड़ा जो है ऑलमोस्ट कुक हुआ है, सिर्फ जो है जो पानी है ना उसको ड्राई होने दें। ऋतिक पापा ना, अगर आज मैंने सॉल बनाया है ना, आज वो खाएगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा है ना, कल वो नहीं खाएगा। फिश ना कल कुछ में रखती हूँ ना, नेक्स्ट डे वो नहीं खाते हैं। बाप और बेटे ऐसे ही, तो अभी तो ताज़ा फ्रेश फ्रेश, जब दाल आज जिमा ये तेरे देखिए हाँ क्या दाल दाल किरे दाल दाल करता है, तो अभी तो ऋतिक दाल 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 किरे आते हैं। और ये जो सॉल है ना, जिस दिन आप दाल बनाओ और ये सॉल बनाओ, आ हा हा दोन एक्स्ट्रा वेतले शीत उन्हें एक्स्ट्रा वेतले। ओके दा ये सॉल बना के रखो फ्रिज में और रोज दाल बनाओ, और थोड़ा सा दाल और एक बांगड़ा खाओ, खाया गरम करो। हाँ बेस्ट जवान। ओके तो हमारे घर में अभी और इतनी जल्दी नॉनवेज नहीं लाएंगे, क्योंकि बांगड़ा सॉल है ना आराम से चल जाएगा। और फ्रिज में ना थोड़े स्क्विड्स है, तो मैं एक ऋत्विक का फेवरेट है और इनका भी फेवरेट है, वो मैं संडे को शेयर करूंगी। ओके बहुत ही मज़ेदार है, बच्चे को बहुत ही पसंद आएगा दे। स्क्विड्स बटर गार्लिक, वो भी अलग तरीके से। हाँ तो सिंपल सा नहीं, थोड़ा अलग तरीके से, कब से बोल रहे थे उसको चाहिए चाहिए, तो संडे को। ओके या वर्षा पाउस ना, पाउस ना म्हणजे या वर्षा उदका भी मशे यातले कहना जातले यातला पाउस बहुत। कोण म्हणतो ना कि ऑगस्ट महिना म्हणून, और इतनी कडक धूप में ना कुछ काम करने को भी मन नहीं होता है। क्या धूप देखिए शी, तो ऐसी धूप पड़ेगी ना, अगर बारिश नहीं होगी ना, तो इस साल पानी का किल्लत बन जाएगी। उदी लोकांक त्रास जातले फुडें उदकाक, के पावस जाय पळोवया, पडल्या पड नागपंचमी तरी पडूंक ना। अभी लास्ट है गणपती को, अभी गणपती को बारिश होनी चाहिए। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम छोटे थे, जून जुलाई अगस्त सितंबर कंटिन्यू बारिश होती थी। तो अब नहीं, अभी एक महीना ही सिर्फ बारिश, उसके बाद धूप। वाज होता अशे वोत असले नी बेजार रहता। मम्मी बसली हांगा, केन्ना सॉल जाता आनी केन्ना पोटान पडटा जाला ना। तो हो रहा है पूरे घर में ना, हल्दी के पत्ते की खुशबू आ रही है। जस्ट फ्लेम को लो किया है और थोड़े 1-10 मिनट रखेंगे, उसके बाद रेडी बांगड़े सॉल। ये देखिए ये अब रेडी है, और ये जो देखिए ड्राई हुआ है, और बांगड़ा फिश जो है ना अच्छे से कुक हुआ है और फ्लेम को लो ही रखा है। ओके तो इसको ना मम्मी ने 25 मिनट के लिए रखा था, ओके लो फ्लेम पे, और ये जो अच्छे से अभी हो गया है। ओके यहाँ पे बांगड़े सॉल रेडी है। ओके ये देखिए अब ना कितना ड्राई हो चुका है। ओके तो अब मैं एक टेस्ट करके दिखाती हूँ, काढ़िए एक खाऊं दा कि तुमका बांगड़े सॉल। तू खातला बांगड़े सॉल? तो तुम्ही खाय नाका तुम्ही, हाँ खाता। हाँ बरो वाह सुटलो। हाँ 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 बांगड़े सॉल थोड़ा उदा ही ले, तो मैं आप उनको खा के बताती हूँ। ओके यो कैमरा मैन आगे आ जाओ, ये देखिए ठंडा उदी की ले। हाँ बांगड़े फ्राई फ्लॉप, बांगड़े करी फ्लॉप, बांगड़े सॉल्व करा, खूब आवटल तुमका। मसाला इतना टेस्टी, यानी हल्दी के पत्तों का वो जो फ्लेवर टेस्ट है ना, पूरे इसके अंदर गया है। ये देखिए हाँ हाँ आप ना इसे
एक बार मेरे कहने से प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोगों को ना बहुत ही पसंद आएगा। जिस दिन आप दाल बनाओगे ना दाल के साथ, तो ये ऑसम आई बना रहा बांगड़े सॉल आने बांगड़े खा कोई फला प्रस्ताव आए था दोनों बांगड़े खाता बहुत ही टेस्टी बना है। ओके तो आप इसे रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, गारंटी देती हूँ मैं आप लोगों को ना जरूर पसंद आएगा। ओके तो चलिए आज इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आज की रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय दरिया, बाय आज की शेफ बांगड़े सॉल्व चल बाय।